आलिया भट्ट ने दिया ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब। ट्रोलर्स को आलिया ने सुनाई खरी खोटी। क्या है आलिया की ये खबर, चलिए जानते हैं। ट्रोलर्स के निशाने पर आने से कोई स्टार्स नहीं बच पाते, ऐसी ही एक हसीना है बॉलीवुड की। आलिया बॉलीवुड में अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में रहती है। आए दिन फैंस मीम्स बनाकर आलिया को उड़ाते हैं जमकर मजाक। बता दें कुछ दिन पहले आलिया ने गुड न्यूज सुनाई थी, जिसके बाद फैंस ना जाने आलिया को क्या क्या कहने लगे। आलिया कुछ ना कुछ वजहों से हमेशा चर्चा में बनी रहती है। कभी उनका रणबीर पर दिया बयान वायरल हो जाता है तो कभी कुछ और। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा हैरान आलिया भट्ट की इंस्टाग्राम पोस्ट ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो माँ बनने वाली है। लोग इसलिए हैरान थे क्योंकि आलिया ने शादी के कुछ महीने बाद ही गुड न्यूज दे दी थी। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो माँ बनने वाली है। इस पोस्ट पर नीतू कपूर से लेकर कई स्टार्स ने आलिया और रणबीर को बधाई दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इन दोनों को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया था। लेकिन दोनों ने इसको लेकर कभी कुछ नहीं बोला था, पर अब आलिया भट्ट ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए ट्रोलर्स को खरी खोटी सुनाई है। आलिया ने कहा, कुछ भी हो औरतें हरदम हेडलाइन बन जाती है, चाहे वो माँ बने, किसी को डेट या कहीं घूमने चली जाए। इसके बाद आलिया ने कम उम्र में माँ बनने वाले फैसले पर अपना स्टेटमेंट रखा। आलिया ने कहा, कई बार ऐसा होता है जिसको आप कभी प्लान नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ अपने आप हो जाता है। आलिया भट्ट के इन दोनों जवाबों को सुनकर ट्रोलर्स की बोलती बंद हो गई होगी। वेल, बात करें आलिया की वक्फरन की, तो आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शेफाली शाह और विजय वर्मा अहम रोल में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़, मुंबई।